व्यूअर्स, हम जा रहे हैं आज आरामबुल के उस सीक्रेट बीच पे जहाँ पर एक तरफ खारा पानी है और एक तरफ मीठे पानी की झील है, और उसके बाद हम जाएंगे बैनियन ट्री। जो सबसे बड़ा ट्रीज है वो बाबा बाबा बैठे रहते हैं रशियंस, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गाते रहेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का हमारा ट्रैक होगा आज का। ये हमारे दोस्त हैं जो सारे आज सारे गोवन बन चुके हैं ये लोग। यहाँ से रास्ता चालू होगा, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और राइड डे होने के बाद भी आरामबुल में एक बंदा है जो हमें तैयार हो गया दारू देने के लिए सेम रेट में। ये है ये ऐसे छोटी छोटी आपको गलियां मिलेंगी, आप शॉपिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये देखिए शॉपिंग के लिए आपकी यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा है, यहाँ बैठ के आप खा भी सकते हैं, एक अच्छी बात है। यहाँ छाया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो। सॉरी गलत आ गया, नीचे जाना है। क्या हुआ? ये तो गैस रूम है। स्पा भी करा सकते हैं हम लोग। To be here or not to be here, Shakespeare. चलिए व्यूअर्स पहुंच के बताता हूँ वहाँ पे। नाइस, ये देखिए ये आरामबुल का एंड, यहाँ पर ये समुद्र है और दूसरे आपको मीठा पानी की झील दिखाएगा मैं। ये देखिए यहाँ थोड़ा संभल के क्योंकि चट्टानों से जाना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ा सा ध्यान से आना। ये एक्चुअली ये बेयर ग्रिल्स की बुरी चट्टाने हैं, ये जिन पे एक से बेयर ग्रिल्स चल सकते थे। अब आप चल रहे हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है बिजी। गाइस ये आपका आरामबुल, पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अभी जो हर्ट्स लगी हुई है ना, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली पड़ा रहता था। पर जब से टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे उन लोगों को पता लगा कि जगह यहाँ पर आने के लिए थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ती है कि इस चक्कर में बहुत कम आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, या तो बागा अंजुना कोलंगुट घूम लेते हैं, और गोवा आओ तो कोलंगुट तो जाना ही मत, प्योर इंडियन बीच है, आपको सिर्फ मल्लू और साउथ के ही मिलेंगे, वहाँ पे खाना मिल जाएगा आपको। बस दिक्कत ये है कि रशियंस नहीं दिखेंगे, रशियंस के लिए आपको आरामबुल, मैंड्रम या मॉर्जन आना पड़ेगा। ये जो एरिया है ये इन्हीं के लिए फेमस है। देखिए कोशिश करेंगे, वैसे तो आज राइट डे है, इलेक्शंस के चक्कर में बियर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ये देखिए सी द ब्यूटी ऑफ गोवा, एक तरफ बियर मिलेगा
किस्ता जुगाड़ अभी। अरे आंटी ये सब मुझसे क्यों बोलते बार बार बोली बोली आप जाने के बोली काटो तो ये ऐसी बात देखो यहाँ आओ तो ये तो भूल जाओ कि काला तो होना ही है, ये तो छोटे कारण ही है क्या है कि ज़्यादा रहते हैं। सुबह सुबह फिशिंग की तैयारी हो रही है ताकि आज फिर जाएंगे क्रैक के लिए आई है केकड़ा। केकड़ा काटता नहीं है।